इल्म होता है। कुरान की आयत क्या है, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लमा बिल कलम अल्लमा इंसान मालम यालम। अल्लाह ने इंसान को कहा कि पढ़ो उस मालिक के नाम से जिसने तुम्हें एक खून के लोटड़े से बनाया और वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। जिस घर में इल्म होता है भाई साहब, सवेरा लस्सी बार वाले, जिस घर में इल्म होता है उस घर में कोई गुंडा नहीं होता है। जिस घर में इल्म होता है वहां पर अखलाक होता है, कैरेक्टर होता है, किरदार होता है, होता है ना, होता है ना। यहाँ पे एक माहौल है कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा सिर्फ ऑटो ड्राइवर बने, वो गाड़ी का साउंड बंद कर दो प्लीज। ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर बने, मैं नहीं मानता कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर बनना चाहिए। ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनना चाहिए। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, जेडीएस को वोट दे तो बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती, डराती। अरे डराओ मत भाई, फिरौन से नहीं डरी सो कौम, नहीं डरी सो कौम। क्या आप मोदी और क्या मोदी के पाप से डरते हैं जी, क्या डरते हैं मोदी के पाप से? मोटे अमित शाह को, मोटे अमित शाह को अगर चे किसने वार्निंग दिया था तो ये तनवीर दिया था, दिया था नहीं दिया था, टेलीविजन के अंदर बोला था है मोटे तेरा दरबार इस हिंदुस्तान में चलने नहीं देंगे। क्यों? ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान है, मेरे और आपके बाप का हिंदुस्तान है। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी मुसलमान कौम के ऊपर नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी इस मुसलमान कौम पे नहीं चलेगी। बीजेपी आ जाती कहते, बीजेपी आ जाती कहते। मैं बोलता हूँ, मैं बीजेपी को डराने के लिए जेडीएस का उम्मीदवार नहीं बना, मैं कांग्रेस को डराने के लिए जेडीएस का उम्मीदवार नहीं बना, आपका गुलाम बनने के लिए, आप लोगों के साथ काम करने के लिए। क्या भाई एक एमएलए, एमएलए कोई सिंगा फुटिया सो आदमी नहीं, सुना घर से, एमएलए भिखारी, कौन एमएलए भिखारी, आपके वोटा की भीख ले तो जिन्हें जीतता है उन्हें एमएलए तो वोट दे दो, वोट दे दो। मैं जो आपके पास पूछ रहा हूँ, कौन मैं, कौन भिखारी? माँ सुनो मेरी भाना जुझारी, मेरे पास 5 प्रोग्राम्स हैं, गोरीपल्ले में मैंने किया है ये काम, मैं 5,000 नौजवानों को नौकरी दिलाने का प्रॉमिस कर रहा हूँ, 5,000 नौजवानों को, 10,000 औरतों को, 10,000 औरतों को एम्पावर, ताकि वो 10,000 15,000 20,000 अपने घर में बैठकर कमाए। जिस घर की औरत, जिस घर की औरत कमाती है उस घर के अंदर, अंदर घर के अंदर बैठ के, तो डेफिनेटली वो क्या करती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसे इस्तेमाल करती है। ए मेरे पास प्रोग्राम है, तीसरा प्रोग्राम भाई अजान में भी क्या बोलते हैं, हैया अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ बुलाने वाली चीज का नाम क्या बोले तो अजान। मैं 2 मिनट रोक देता हूँ अजान के लिए।